और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां छपरा हिंसाकांड पर बड़ा अपडेट। एसआईटी की टीम राबड़ी आवास पहुंची हुई है। सारण एसपी ने एसआईटी टीम का गठन किया है, जो टीम इस वक्त बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची हुई है। रोहिणी आचार्य के बॉडीगार्ड को लेकर इस वक्त ये जांच चलती हुई, जिसमें रोहिणी आचार्य भी आवास पर मौजूद है। जो जानकारी सामने आ रही है, राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के साथ घूमने का आरोप लगा है और इसे लेकर एसआईटी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्या टीम इस वक्त यहीं इस आवास पर अभी भी मौजूद है? देखिए, राबड़ी देवी के आवास के अंदर टीम जो है एसआईटी नहीं गई थी, बल्कि वो बाहर आई थी और बाहर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, उनसे इस एसआईटी की टीम ने बंद कमरे में बाहर जो उनका जो ऑफिस है, कार्यालय, जो बॉडीगार्ड के जो टीम लीडर है, उनसे पूछताछ किया है। और जो आरोप लगाया गया था पॉलिटिकली कि जो रोहिणी आचार्य है वो अपनी माँ राबड़ी देवी के अंगरक्षक को लेकर के लगातार चुनाव कैंपेन में थी, और उस दिन भी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, गोलीबारी हुई और जो झड़प हुआ छपरा में, उस दौरान भी उनके साथ राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड मौजूद थे। तो उसी मामले की जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन जो सारण एसपी द्वारा किया गया, और वो एसआईटी की टीम जो है वो यहाँ आई। बंद कमरे में जो इंचार्ज है, सिक्योरिटी इंचार्ज, उनसे उन्होंने पूछताछ की है, और पूछताछ करने के बाद वो टीम जो है वो यहाँ से निकली। जितने जवान मौके पे मौजूद थे, जो ड्यूटी पे तैनात थे, सबका उन्होंने नाम पता पूछा, और उनका जो जो हस्ताक्षर होता है, उपस्थिति पंजी जो होती है उसको उन्होंने चेक किया। और बजाबता जिस दिन से रोहिणी आचार्य जो है नॉमिनेशन की, उस दिन से अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, पंजीकरण जो पंजीकृत जो अटेंडेंस बनता है उसका रिकॉर्ड चेक किया, और उसके बाद ये टीम जो है वो यहाँ से निकली है। लेकिन जो बातें कही गई है कि रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी के आवास पे ही मौजूद है, तो उनसे किसी भी तरह से अभी पूछताछ नहीं की है, क्योंकि ये बॉडीगार्ड से जुड़ा हुआ मामला था और अंगरक्षक का दुरुपयोग का मामला था। और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने ये आरोप लगाया था कि जो राबड़ी देवी का अंगरक्षक है उसका इस्तेमाल जो है वो लगातार रोहिणी आचार्य कर रही थी, उसी आरोप को जो पॉलिटिकली जो इस तरह से पूरा मामला गर्म हुआ, तो उसके बाद जांच करने के लिए एसआईटी का गठन जो है वो छपरा एसपी ने किया, सारण एसपी ने किया, और उस टीम वह टीम जो है वो यहाँ पहुंची, और यहाँ पहुंच करके पूरे मामले की जो छानबीन है उनके द्वारा की गई है। तो हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि यहाँ पे टीम पहुंची थी और यहाँ जितने भी बॉडीगार्ड हैं, जो अंगरक्षक हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे, और उन सभी से जो है वो एसआईटी ने पूछताछ किया है, और पूछताछ के बाद आगे की। बिल्कुल, तो इस पूछताछ के बाद टीम जो है यहां से रवाना हो चुकी है, निकल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहिणी आचार्य से किसी तरह की कोई पूछताछ अभी फिलहाल नहीं की गई है, हालांकि जो जानकारी मिल रही है रोहिणी आचार्य इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर ही मौजूद है, लेकिन जो टीम पहुंची थी उसने सिक्योरिटी में लगे वो तमाम जो अंगरक्षक थे उनसे पूछताछ की है। आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव अब छपरा में उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारण के डीएम अमन समीर ने आरजेडी नेता भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ घूमने को अवैध बताया है। तो डीएम ने सीओ के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया, और भोला यादव ने कल अपनी मौजूदगी को जायज बताया था और कहा था कि उनको निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति थी, लेकिन डीएम अमन समीर ने यह साफ किया कि भोला यादव बाहरी जिले के थे, लिहाजा उनका चुनाव के दौरान घूमना अवैध था। पदाधिकारी के द्वारा पास जारी किया जाता है घूमने के लिए। उम्मीदवार हमारी रोहिणी आचार्य जी के साथ हमारा और दो अन्य लोगों का, कुल चार लोगों का पास जारी हुआ था, और उसी पास के तहत हम लोग घूम रहे थे। हम लोगों का काम सिर्फ इतना था जो अपने कार्यकर्ताओं को हालचाल लेना, बूथ पर कितना पोल हुआ उसकी जानकारी लेना। उसमें जो हम लोगों ने जो सीओ के द्वारा जो अटैक किया गया है वो मॉडल कोड का वायलेशन के आधार पे हम लोगों ने दर्ज किया है। इसमें जो भोला यादव जी का है वो स्टार प्रचारक है, ठीक है। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो देखा है उसमें जो है क्योंकि स्टार प्रचारक है, और जो हम लोग प्रथम दृष्टया इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ के वोटर नहीं है, तो उनका जो है वो 18 तारीख के बाद ही वो घूम नहीं सकते थे,
इसलिए वो चूंकि वो घूमे इसलिए हम लोगों ने उनको दर्द। और बड़ी खबर है छपरा हिंसाकांड पर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा है ज्ञापन और निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है। जो खबर सामने आ रही है छपरा की घटना पर ज्ञापन सौंपा गया है, भोला यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है, प्रशासन के खिलाफ ये मांग की गई है। तो छपरा हिंसाकांड पर अपडेट जहां कार्रवाई की मांग हुई है। तो छपरा चुनावी हिंसा के मामले में अब तक 7 प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। 20 मई को मतदान केंद्र पर हंगामा के मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वहीं 21 मई को हिंसा के मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज हुई। सारण के एसपी ने इसकी जानकारी दी। हत्या के मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 21 मई को दो पक्ष में भिड़ंत मामले में अलग अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें दोनों पक्ष को आरोपी बनाया गया है। जिले में इंटरनेट 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। एसपी ने दावा किया है कि जिले में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। अनेक को जो घटना हुई इसमें 4 मामले दर्ज किए गए हैं। 1 प्रशासन की तरफ से दर्ज किया गया है, जो दोनों पक्षों के द्वारा वहां पर मारपीट जोड़ेबाजी हुई। इसके अलावा एक जैसा आपने बताया कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट के द्वारा एक दर्ज किया गया है, जो उनके साथ घटना हुई। इसके अलावा एक बीजेपी की साइड से दर्ज किया गया है कांड, जो कल दर्ज हुआ है। और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में एक प्रशासन की तरफ से एक केस दर्ज किया गया है, वो अलग घटना है। 21 तारीख की घटना में जो मृतक के परिजन के द्वारा मर्डर का केस दर्ज किया गया है, पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों ने जो मारपीट की घटना वहां करी उस पे केस दर्ज किया गया है। और जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ बातें लिखी गई उसके बारे में एक केस दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव में सभी दलों